कांग्रेस की दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा अब रेप कैपिटल बन चुका है। इन हालात पर काबू पाने में सरकार नाकाम है। जनता अब बेसब्री से इलेक्शन का इंतजार कर रही है। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश कुमार। दिग्गज और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, हरियाणा में एक दिन में रेप और गैंगरेप की 7 घटनाएं, पूरा हरियाणा रेप और गैंगरेप की घटनाओं से एक तरीके से सहम उठा है। ये सहम उठा है और इतने दुख की बात है कि दुनिया भर में अब हरियाणा रेप कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा है। ये सबके लिए शर्म की बात है और खास तौर से जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। आज के दिन इस तरह के लोग निर्भीक घूम रहे हैं, सरेआम ऐसे कार्य करते हैं और फिर जब अगर मुश्किल से कोई केस अगर रजिस्टर भी किया जाए, पहले तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर कुछ केस रजिस्टर हो जाए तो उस पर कार्रवाई क्या होती है? दिखावा किया जाता है। अगर तुरंत कुछ हो, ये सरकार, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज हो, तो इस तरह की कार्रवाई ऐसे नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे इसी मुद्दे को उठाने जा रही है, कानून और व्यवस्था हरियाणा में सबसे बड़ा सवाल? ये बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी पहले भी उठाती रही है, आगे भी, चाहे लोगों तक जाने की बात हो, चाहे कानूनी तौर पर, चाहे राज्यपाल से, जहाँ भी हो सका, संसद में, विधानसभा में, हर जगह कांग्रेस ने उठाया है, उठाते रहे हैं, लोगों को जागरूक करते रहे हैं, सरकार को चौकन्ना करते रहे हैं। इनको चेतावनी भी हमने दी है, अब फिर हम चेतावनी देते हैं। समय आ गया है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ और वक्त आने पर यहाँ की जनता दिखा भी देगी कि वो इस तरह की चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेप और गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार की खामोशी, क्या ये साबित कर रही है कि सरकार पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है? सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन ये तो मुखिया से शुरू होती है ना। आप देखते हैं कि आज तक खुद मोदी जी ने, जो हर तरह की बात पर बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर भाषण देते हैं, लेकिन इन बातों पर कभी मुंह नहीं खोलते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्होंने आज तक कभी कुछ बोलते ही नहीं, तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी? अधिकतर राज्यों में इनकी सरकारें हैं। आप देखते हैं देश भर में जो हाल हो रहा है आज के दिन, चाहे एट्रोसिटीज की बात हो, चाहे इस तरह के गैंग रेप्स की बात हो, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, इतना कुछ हो रहा है और हमारे राज्य में तो आप देख रहे हैं कि कभी कहीं हमें सरकार नजर ही नहीं आती। कानून व्यवस्था को लेकर कुमारी शैलजा साफ तौर से सरकार को घेरती नजर आ रही है और दो टूक ये कह रहे हैं कि जनता के बीच वो जाएंगे, इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर सरकार को चलता करने का काम प्रदेश की जनता करेगी। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।